Yashomati Maiyaa ke Nandlala. प्रभु का स्वर तो यहीं से आ रहा था, पर नंद भवन कहां चला गया और श्री कृष्ण कहां है? तू यहां क्या कर रहा है? भूख लगी आई है क्या? तभी मैया की स्मृति आई होगी ना, चल भीतर। बात हो गई सबसे? चलने को तैयार है ना वो लोग? कोई अपना घर अपनी गृहस्थी छोड़ के जाने को कैसे तैयार हो सकता है? पर मैंने कही थी ना आपसे कि सब मान जाएंगी, उन्हें हम सब पे बहुत भरोसा है जी। मनाना तनिक कठिन अवश्य था, पर मैंने समझाया सबको, चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है, नारायण हम सबका ध्यान रखेंगे। क्यों काना, रखेंगे ना? आप जो चाहोगी वही होगा मैया। मेरा अर्थ है कि नारायण सब ठीक करेंगे। मैं आता हूँ। चल तू बैठ जा, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ, आ जा। प्रभु का स्वर तो मुझे यहीं से आया था, तो फिर मैं प्रभु के दर्शन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? श्री कृष्ण, 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 श्री कृष्ण। यहाँ तो कंकड़ पत्थर भी प्रभु का नाम पुकार रहे हैं, मानो उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हूँ। कौन सा स्थान है ये? वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन। श्री कृष्ण, प्रभु आपका आह्वान सुनते ही सारा सुदबुद खो बैठा और दौड़ता हुआ चला आया, और जब पांव ठहरे तो मैंने देखा कि मैं यहाँ हूँ, इस रिक्त स्थान में। यहाँ का कण कण आपको पुकार रहा है प्रभु। ये स्थान मेरा अगला पड़ा होगा विश्वधर्मा, और आपको मेरे परिवार और भक्तों के निवास का प्रबंध करना होगा। मुझे तो लगता है पूरी तैयारी से आई है।
समझ गया प्रभु, आप चाहते हैं कि ये स्थान, यहाँ का हर घर, पत्थर, दीवार, खंभ, सब गोकुल के समान ही हो। क्या हो, भोजन अच्छा ना बनो है क्या? सच्ची में इतना बुरा बन गया है? उत्तर दिया तो था देव विश्वकर्मा को, पर मैया ने ले लिया अपने ऊपर, अब कैसे संभालू? लगता है गोकुल छोड़ने की व्याकुलता में कछु गड़बड़ कर दी है मैंने। मैं कछु और बना के लाती हूँ। हाँ लल्ला। मैया, भोजन अच्छा बनो है, बहुत अच्छा बनो है। सच्ची? तो फिर खा क्यों न रोए? क्योंकि आप खिला रही नारी। अच्छा जी, तो ले फिर ले। कल भोर होते ही इस घर को सदा के लिए छोड़ के जानो है हमें, इसे सब पतो है, पर फिर भी ना कोई चिंता है ना कोई व्याकुलता। यदि हम सब भी इसी के जैसे बन पाते तो इतना दुख काहे को होता। प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जगपाला। आप निश्चिंत रहिए प्रभु, आपके भक्तों को वृंदावन में कोई कष्ट नहीं होगा। तनिक भी स्थान ना बचो, पर इसे कैसे छोड़ दूं? जब अपने मायके से लेके आई थी मैं, इसमें पहली बार काना को माखन खिलाया था, सुधा संभाल के। सहायता की कोई आवश्यकता ना है, मैं सब समेट लूंगी। मस्ती बसाई हुई हस्ती समेटना इतना सरल ना है, जीवन है जे, कोई खेल ना है कि समाप्त हो गया तो चलो। अब अनप मैया, मैया जे क्या करो तूने? मैया रो मती लल्ला। मैया टोकरी भारी हो गई है भैया, मैं उठा ही ना पायो, सारे खिलौने गिर गए। तो सारे खिलौने टोकरी में डाले ही क्यों? सब ले जाना आवश्यक थोड़े ना है। यही तो समझ ना आ रहा मैया, और क्या छोड़ू और क्या लेकर चलू। ये देख मैया, ये वाला हाथी बाबा कितने प्यार से मथुरा से लेकर आए थे मेरे लिए। ये देखो मैया, मेरे जन्मदिन का उपहार आप दोनों कितने प्रेम से दिया था मुझे। चिंता मत कर काना, जो छूट रहो है ना छूट जाने दे, पुराना जाएगो अभी तो नया आएगो ना लल्ला। मैं और तेरे बाबा तेरे लिए ढेर सारे खिलौने ले आएंगे। अभी तू बस वो ही खिलौने रख जिसकी तुझे वृंदावन में आवश्यकता पड़े। फिर मुझे कछु चाहिए ना मैया, और बस मेरी मुरली और तुरी पर्याप्त है। मैया आप मेरी टोकरी ले लो, आपका सामान बहुत अधिक है ना। जो अपने लल्ला को समझा रही थी उसका सार स्वयं ही ना समझो मैंने। वाह काना, तुम और तुम्हारी लीलाएं सच्ची में अनोखी, बिना कुछ कहे ही मैया को समझा दियो। बस सकट मंगवा तो। बाबा मेरी तैयारी हो गई, मैं चलूं आपके साथ आज।
सुखी गगरी खाली खाली रे आंसू मैया, आप ही तो कहती हो ना कोई नया खा के दुखी होके ना प्रसन्न होके आराम करना चाहिए। आपके ऊपर ये छाया कैसी है? ओहो, दुख की छाया है। अभी भगा दूंगा इसे। अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।